तो नया चैनल, नया सेटअप और नया कंटेंट के साथ मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरा जो पहला चैनल था, जो मेन चैनल है किबा किबी, वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे फिल्म मेकिंग वाला बनते जा रहा था एंड उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत कम हो रहा था चीज़। तो मैंने सोचा कि इट्स नॉट फेयर बिकॉज आई क्लेम टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर मोर देन अ फिल्म मेकर। तो मैंने ये चैनल खोला एंड द आयरनी इज़ कि मैंने इस चैनल का नाम किबा किबी स्टूडियोज़ दिया है। बट एनीवे, दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यहाँ पे फिल्म मेकिंग की कुछ भी बातें नहीं होगी, मतलब कभी कभी हो सकती है विद द फ्लो, बट मेजरली ग्राफिक डिज़ाइन। और इस चैनल का आइडिया मुझे कैसे आया, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे फेसबुक देख रहा था सुबह, एंड आजकल मैं फेसबुक ज़्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक ऐसे लगाते ही ऐसे ज़करबर्ग आके बोल देगा तुम्हारा डाटा मैंने ले लिया, इसलिए मैं फेसबुक नहीं देखता बिल्कुल भी। बट समहाउ मैं आज देख रहा था सुबह सुबह फेसबुक, तो वहाँ पे ना एक लिंक मिला मुझे एंड दैट लिंक वॉज अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन फेल्स। तो वो देख रहा था और मैं अपने आप से हंस रहा था एंड आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विथ यू गाइज एज वेल। तो इसका और क्या क्या इंटेंट है वो सब कुछ मैं बताऊंगा, बट टुडे इन दिस फर्स्ट वीडियो इन दिस न्यू चैनल हम लोग डिस्कस करेंगे सम ग्राफिक डिज़ाइनिंग फेल्स एंड वट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। स्टे ट्यून्ड। तो मैंने कुछ अभी इंट्रो बनाया नहीं है तो डायरेक्टली वीडियो शुरू हो जाएगा। सो विल ओपन द लिंक एंड दिस विल बी लाइक माय प्योर जेन्युइन रिएक्शन वीडियोस ऑन दिस चैनल और एक डिस्कशन की तरह, मतलब मैं इधर कुछ भी स्क्रिप्ट लिखूंगा नहीं, आई जस्ट गो थ्रू इट। और मैं जब देख रहा था वो वीडियो तब क्या हुआ था कि आई थिंक एक दो देखने के बाद ना मैंने लिंक बंद कर दिया एंड आई थॉट कि आप लोग के साथ ही देखेंगे। सो आई री ओपन द लिंक वंस अगेन। सो दिस इज फ्रॉम 99designs.com. This article is from 99designs.com and the article is Epic Design Fails, Laughing and Learning from the Best to Worst Graphic Designers. Obviously, जो हम लोग का भी intent है. So, we'll watch. By the way, this is by Matt Ellis. जो author है इस article का, उनका नाम है Matt Ellis. 3 years ago. 8 minute का read है वो बोलते हैं. But anyway, we'll go to the first photo, like the first graphic design. ओके तो ना ये देख के ना मेरा एक्चुअल में हंसी आ गया था सुबह सुबह, बिकॉज लाइक दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। जब आप ग्राफिक डिज़ाइन सीखते हो ना, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट यू डू फर्स्ट इन योर लाइफ। एटलीस्ट जब हम सीखते थे, मतलब जब मैंने सीखा था आज से ऑलमोस्ट 2007 कितना साल हो गया, 15 साल हो गए, आई थिंक 15-16 साल हो गए। तो आजकल तो लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होता ही है, तो शायद ये नहीं होगा, बट व्हेन वी डिड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दिस इज़ सो रिलेटेबल फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, जो आई थिंक मेरे जनरेशन के हैं, मतलब उस टाइम पे जिन्होंने सीखा था या फिर उससे भी पहले, उन लोग के लिए ये कितना रिलेटेबल है। बिकॉज सी फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू स्टार्ट एंड वेन टू एंड द डिज़ाइन। ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बिगिन करते हो, कि जब आप बिगिनर होते हो किसी भी डिज़ाइनिंग, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्पेशली, तो क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आपका डिज़ाइन हो गया, बिकॉज द अचीवमेंट दैट यू गेट, जो आपको फुलफिलमेंट मिलता है कि ओके आई क्रिएटेड दिस। पता नहीं ये मजाक में बनाया कि कैसे बनाया, बट जिन्होंने भी बनाया होगा उनके दिमाग में ये रहा होगा कि दे हैव पुट द पांडा इन द वॉटर एंड दे हैव रिटन डाउन अ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है ये बहुत ही अच्छा फील करवाता है आपको एंड यू थिंक योर डिज़ाइन इज़ फिनिश्ड। तो ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज आप एकदम अल्टीमेट बिगिनर हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लाइक 6 months 1 year में भी, तो आप जब डिज़ाइन को ख़त्म करोगे तो कोई बंदा जिसके पास 5, 6 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनका डिज़ाइन उस पॉइंट में शुरू होगा। इसलिए मैं अपने टीम मेंबर को, जितने भी जूनियर्स ज्वाइन करते हैं हमारी टीम में, मैं सबको बोलता हूँ कि तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है बट यू हैव जस्ट बिगैन इट, मतलब तुमने बस प्लेस किया है, अब तुम डिज़ाइन शुरू करोगे। दैट शुड बी द मेंटेलिटी फॉर सम सिनेरियोस। तो वही है, दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस ग्राफिक डिज़ाइन। बट ऑब्वियसली ये एकदम बिगिनर है, इसमें कुछ भी आइडिया था ही नहीं। देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो आप लोग बताइए इसमें गलती क्या है, लाइक व्हाट इज़ द फॉल्ट, आप लोग एक बार सोच के बताइए। मतलब ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस आपको पता ही चल गया होगा, लाइक दे आर एडवर्टाइजिंग अ सेल्फी स्टिक, लेकिन फोटो उन लोग का लिया गया है जो लोग पीछे है। सी दिस नथिंग रॉन्ग बट इट्स फनी, ठीक है। और क्योंकि आप ऐसा भी तो फोटो ले सकते हो ना इससे, बट सी द थिंग इज ना, इसको बोलते हैं, मतलब ऐसा कब होता है कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, मतलब ये तो डिज़ाइन लैंग्वेज का ही ब्लंडर हो गया इधर, कि आप सेल्फी स्टिक प्रमोट कर रहे हो लेकिन आप सेल्फी ही नहीं दिखा रहे हो, आप उधर दिखा रहे हो।
तो इसको बोलते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ, पता नहीं डिज़ाइन लैंग्वेज में बोलते हैं कि नहीं, बट मैं बोलता हूँ एक डिज़ाइनर्स ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, कि जब हम स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर्स जब कोई भी चीज़ में घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा से चेंजेस आता है या फिर बार बार मैनिपुलेशन हो रहा है, फीडबैक्स आ रहे हैं, तो क्या होता है ना, हम लोग का ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। हम लोग ना देख नहीं पाते कि क्या गलती है, एकदम ग्लैरिंग मिस्टेक्स, मतलब हेडलाइन में ही स्पेलिंग मिस्टेक होगा लेकिन कोई फ़ोन करके बोलेगा ना तब भी हम लोग को नहीं मिलेगा कहाँ पे है इस मिस्टेक। तो हम लोग के साथ ऐसा होता है बिकॉज वी आर सो मच इनटू द कंपोजिशन, द मास्क परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, कि वी फॉरगेट द बिगर पिक्चर। ठीक है, वो बहुत होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है। बीइंग अ सीनियर ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है व्हेन यू आर टू इन्वॉल्वड इन अ डिज़ाइन। तो जैसे क्या होता है कि सपोज आपकी टीम में कोई एक डिज़ाइन कर रहा है और उसमें बहुत सारे फीडबैक आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और आप भी हर रेंडिशन के थ्रू जा रहे हो कि ओके ठीक है इसको ये करो, उसको वो करो, तो क्या होता है जो डिज़ाइनर बना रहा है एंड जो डिज़ाइनर, मतलब जो सीनियर डिज़ाइनर उसको सुपरवाइज कर रहा है, दोनों के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो गए। मतलब दोनों ही गलतियाँ नहीं देख पाएंगे एक पॉइंट के बाद, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सीनियर कि वो गलतियाँ देखे और वो अपने लेवल पर ही उसको सुधार दे। बट वो मेरे साथ बहुत होता है, मतलब कि जब हम लोग अल्टीमेट रिव्यू के लिए भेजते हैं, मतलब जो मेरे भी सीनियर्स हैं, वो लोग कभी कभी इतना सीली मिस्टेक ढूंढ के निकालते हैं ना, मुझे शर्म आ जाता है कि अरे यार मैंने क्यों नहीं देखा ये। बट आई फील वो मेरी भी गलती नहीं है, दिस इज साइकोलॉजी, दिस इज टनल, क्या बोलते हैं, टनल फोकस बोलते हैं ना, हाँ टनल फोकस, कि जब आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हो तो वो होता है। एंड आई डोंट थिंक कि उसका कोई वे अराउंड है, आई डोंट नो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये कहाँ से शुरू करूँ? आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा बिकॉज मैंने ये पहले अकेले में देखा था, मतलब ऐसे आर्टिकल के अंदर नहीं, मैंने सेपरेटली सिर्फ इस इमेज को देखा था। सो नथिंग इज़ पॉसिबल। तो देखिए ऑब्वियसली इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल, राइट? ये कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। इसीलिए जब मैं किसी एम्फेसिस के साथ बोलता हूँ, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता, तब मैं उसको अनपॉसिबल बोलता हूँ। जैसे कि अगर कोई बोलेगा कि भाई 5 मिनट में लोगो बना के दो, मैं बोलूँगा नहीं भाई ये अनपॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवन सेज आई एम पॉसिबल। बट एनीवे मूविंग टू द डिज़ाइन, तो देखिए इसमें आई डोंट थिंक कि वो लोग डिज़ाइन के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं या फिर डिज़ाइन में कोई भी गलती है। दिस इज़ अबाउट कि जो आई एम है, इम्पॉसिबल का जो आई एम है, ये बैकग्राउंड के वाइट के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, बट जो डिज़ाइनर है, आप लोग बोलोगे कि जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करते वक्त क्या उसने नहीं देखा था क्या ये चीज़। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड डिजिटल। ठीक है, प्रिंट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी 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 अनप्रेडिक्टेबल। मतलब मैंने शायद ये स्टोरी अपने उस चैनल में बहुत बार बोली है कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि एक टेलीकॉम कंपनी है जिनका मेन कलर रेड है, मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगा अभी, जो अभी नहीं चल रहा है, बंद हो गया, तो वो मतलब वो ब्रांड मेरा क्लाइंट था एंड वी डिड वन डायरी फॉर देम। ठीक है, मतलब बहुत सारे काम किए थे लेकिन उसके साथ एक बार हम लोगों ने एक डायरी किया था एंड दे रिफ्यूज टू पे अस एक पॉइंट के बाद, कि डायरी वारी बन गया, उसके बाद उन्होंने बोला कि पे नहीं करेंगे बिकॉज दैट रेड वॉज नॉट देयर रेड, क्योंकि उनके डायरेक्ट कंपिटिटर का भी एक रेड है, तो वैसा हो गया था। और जो कि हम लोग की फॉल्ट नहीं भी थी, क्योंकि मैंने फाइल में जाके चेक किया, इट वॉज देयर रेड, हम लोगों ने वैल्यू वैल्यू सब सही डाला था, बट इट वॉज प्रिंटर्स मिस्टेक। एंड यार मैं बहुत सारे प्रिंटर्स के साथ डील किया हूँ, कोई भी प्रिंटर ना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, दे आर वेरी चिलिंग पर्सन, वो लोग सीधा बोल देंगे कि यार मशीन का फॉल्ट था, कोई भी प्रिंटर ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो वो एक चीज़ हुआ था, दैट्स एन एक्सपीरियंस दैट आई हैड विथ प्रिंट, इसलिए मुझे प्रिंट का काम उतना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक प्रिंट। तो जैसे ही मुझे डिजिटल में मूव करने का मौका मिला अपने लाइफ में, मैं जस्ट आ गया, मतलब मैंने 2 बार सोचा भी नहीं उस चीज़ पर, बिकॉज प्रिंट में कैसा होता है कि आप कलर मैच करो, CMYK मैच करो, ब्लीड मार्क मैच करो, कट मार्क मैच करो, ये करो वो करो, उसके बाद एक फाइल जाता है। लेकिन सोशल में, मतलब मेरा दोस्त भास्कर, हम लोग एक बार शादी में गए थे, वो शादी में बैठ बैठ के उसने डिज़ाइन बना के भेज दिया, मतलब कुछ भी नहीं है डिजिटल में। ऑब्वियसली डिजिटल में वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा रहता है, प्रिंट में वॉल्यूम ऑफ वर्क मतलब क्वान्टिटी वाइज कम रहता है, बट माथा पर्ची बहुत है प्रिंट में। तो इतना सब कुछ मैंने बोला इसीलिए क्योंकि जब डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन बनाया था तब उसके स्क्रीन में इट वॉज लुकिंग नॉर्मल, वहाँ पे वो आई एम भी दिख रहा था। आई एम श्योर दिस इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये प्रिंटिंग के बाद ऐसा हो गया है एंड आई थिंक इट वॉज टू लेट टू रेक्टिफाई, बाद में ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, नथिंग, इमेजिन वॉकिंग टू समवन्स डोर एंड नथिंग इज पॉसिबल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें क्या है?
ड्यू इन जुलाई, पीछे बॉल में भी उनकी ही इमेज है आई थिंक ड्यू, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लाइक इट्स फनी, मतलब ये थोड़ा फनी तो लग रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है वैसे? मे बी आई एम द स्टूपिड वन हियर, बट मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है। बस एक चीज़ बोलूँगा कि द टी शर्ट शी इज़ वेयरिंग इन साइड द टी शर्ट डिज़ाइन वो ज़्यादा बेटर है आई थिंक देन दिस फॉन्ट ड्यू इन जुलाई। आई डोंट नो, मे बी इट्स फनी इसलिए दिया होगा हम लोगों ने, आई डोंट नो। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वेयर। अच्छा, मैगजीन का नाम है वेयर मिलान, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, वेयर मिलान डॉट कॉम, जनवरी 2012, कंप्लीट गाइड। ओके, आई डोंट नो व्हाट्स द जोक हियर, बट मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए यहाँ पे ना, इफ़ यू लुक एट हर हेयर, तो आजकल तो क्या है फोटोशॉप जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, फोटोशॉप में क्या है आजकल इतना रिफाइन हो गया है, द AI, द सॉफ्टवेयर, ऑल दिस थिंग्स इतना ज़्यादा रिफाइन हो गया है कि बालों को काटना कितना ईजी है। मतलब आप लिटरली स्ट्रैंड बाई स्ट्रैंड आप काट सकते हो बालों को, इतना रिफाइन है, देयर आर टेक्निक्स। बट अगर आप उतना डिटेल, मतलब आप चालू काम कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा काम है आपको बस ऐसे निपटाना है, तो मैं क्या बोलूँगा ना, जब भी आप बालों को काटते हो, इफ़ यू डू मास्किंग, तो हमेशा थोड़ा अंदर से काटिए। मतलब सपोज़ एक इमेज है, उसके ना थोड़ा अंदर से होके काटिए, उसका एकदम बाहर से मत काटिए, वरना वो एज दिखेगा या फिर ब्लर दिखेगा। तो थोड़ा अंदर से ऐसे, अगर अच्छी क्वालिटी की इमेज है तो 3-4 फेदर में, मतलब 3-4 फेदर वैल्यू में रख के अगर आप काटोगे तो इट वुड लुक बेटर और मोर नेचुरल, बेटर देन मोर नेचुरल। सो दैट्स वन टिप फ्रॉम दिस डिज़ाइन, आई थिंक दिस फाइन, दिस नो नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ ऑब्वियसली कहाँ पे होगा वो नहीं लिखा उन लोगों ने, लाइक लिटरली वेयर मिलान, बट ब्लंडर्स होते हैं यार। द फकरिंग लाइफ, द फ्लिकरिंग लाइट्स, ओके दिस इज अ फॉन्ट फेल। इसको देख के ना आई कैन रिमेंबर वन थिंग, मैंने कोई तो एक पोस्ट दिखा था, आई थिंक वो पोस्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं रिक्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ इधर। सो व्हाई फॉन्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लुक एट दिस मैसेज। सो दिस इज़ प्योरली द फॉन्ट्स थिंग जो कम्युनिकेट कर रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब फॉन्ट को डालते हो ना तो बी वेरी केयरफुल। और एक टिप मैं आपको दूंगा, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आपका एक वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपको शायद पता ही होगा, आप फॉलो ही करते हो, बट मैं क्या करता हूँ, आई हैव लाइक 2-3 फेवरेट फॉन्ट्स इन ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव कि उससे क्या होता है कि आपका एक स्टाइल डेवलप होता है, कि अगर शमीम डिज़ाइन बना रहा है तो ओके दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। आपके दिमाग को ज़्यादा, मतलब आपको R&D में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता है कि आप एकदम फॉन्ट में जाके ढूंढ ढूंढ के एक एक फॉन्ट डाल रहे हो, वो टाइम सेविंग होता है ऑब्वियसली, बिकॉज डिजिटल इज़ ऑल अबाउट गेटिंग इट डन। थर्डली कि ऑब्वियसली आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिलता है कि आप कितने सारे फॉन्ट्स हैं दुनिया में, मतलब रोज़ आप अगर ऐसे, आई थिंक 1000 फॉन्ट्स, क्या फॉन्ट का वेबसाइट था, द फॉन्ट्स है, dafonts.com, 1001 फॉन्ट्स, आई थिंक 1001 फॉन्ट्स, येस 1001font.com, सो दीज आर, फिर आजकल गूगल फॉन्ट्स भी है, तो वहाँ पर आप रिलोड करोगे आपको नए फॉन्ट्स दिखेंगे। तो बहुत सारे फॉन्ट्स दिन ब दिन ऐड होते जा रहे, तो आप लोग कितना फॉन्ट आप वो करोगे। सो होटाइल से कि आप ऐसे 4-5 हर कैटेगरी में आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जैसे वन ऑफ माई फेवरेट इज़ गौथम, देन एक है रोबोटो करके, देन देर आर फॉन्ट्स लाइक, अगर आपको शेरिफ में चाहिए तो मुझे बोदोनी फॉन्ट मुझे बहुत पसंद है, एंड देन देर आर एक और फॉन्ट था मैं देख के आपको बताता हूँ, जो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब अगर आपको एक एक वर्ड लिखना है, कोई भी अगर ऐसे वर्ड लिखना है तो वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मेरा पॉइंट यही है कि आप वैसा कीजिए कि कुछ फॉन्ट्स आप अपने दिमाग में रख लीजिए, अपने सिस्टम में रख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, एंड ट्राई द डिज़ाइन विद देम फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक बार अगर लेआउट बन जाएगा तो आपको वॉल्यूम पता चलेगा कि कौन सा टेक्स्ट वॉल्यूम कितना ले रहा है, सो ऑल दिस थिंग्स यू विल नो। उसके बाद आप डिज़ाइन को बाद में मैनिपुलेट भी कर सकते हो, बट गेटिंग इट डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग इट परफेक्ट, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एटलीस्ट इन सोशल मीडिया। द विग एंड पेन, अरे यार हेलो, ओके आई गेट इट। ऑब्वियसली इसमें क्या फनी है,
पता नहीं मैं वो वर्ड भी यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नहीं, बट मैं तो दिखा ही रहा हूँ. बट एनी वे द विग एंड पेन इज ओपन फॉर बिजनेस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ ब्रेकिंग, मतलब जो सेंटेंस ब्रेकिंग होता है. तो मैं अपने टीम को क्या बोलता हूँ, हमेशा मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ वर्ड जैसे इज, द, टू, इन सबको ना कभी सेंटेंस के एंड में मत रखिए, तो ऐसा क्लशेस होता है. तो क्या होता है ना कि सपोज आपका सेंटेंस है आई विल गो होम टू डू दिस थिंग, ये आपका सेंटेंस है. ठीक है, तो आप ना अगर उस सेंटेंस को ब्रेक करोगे तो आई विल गो होम उसके बाद टू डू दिस थिंग्स, अगर आप आई विल गो होम टू डू दिस थिंग्स तो वो ना इनकम्प्लीट लगता है थोड़ा सा. तो आप अगर मतलब डिजाइनिंग के टाइम अगर आपको पैराग्राफ ब्रेकिंग करना है, आपको हेडलाइन, सब हेड, इन सब में आपको ब्रेकिंग डालना है, तो मेरा वो टिप रहेगा कि आप ऐसा कीजिए कि इज, दैट, टू, सो ऑल दिस जो कंटिन्यूएशन वर्ड बोलूँगा मैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट दो सेंटेंस के बीच में अगर आपने वो वर्ड डाल दिया तो ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा सेंटेंस बन गया. तो वैसे चीज़ों को आप नीचे कर दीजिए, ऊपर मत रखिए, मतलब हैंगिंग मत रखिए कोने में. सो इट विल लुक बेटर एंड यू माइट अवॉइड मिस्टेक्स लाइक दिस. ओके, पैराग्राफ. ओके, ये देखिए, सो मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है. जब मैं मैगजीन में काम करता था तो मैंने एक बार बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था कि जो कंटेंट्स था, जैसे कंटेंट्स जो लिखते हैं, तो एक ही बार में ऐसे कंटेंट लिख के मैं बोर हो गया. तो एक बार क्या किया था मैंने, COCONTENT ऐसे करके मैंने ब्रेक कर दिया था. एंड आई थॉट कि मेरा एडिटर इसे रिफ्यूज़ कर देगा, लेकिन शी वो लेडी थी उस टाइम पे, अभी भी लेडी है, मतलब मेरे एडिटर उस टाइम पे लेडी थी, उन्होंने अप्रूव कर दिया था एंड इट वाज गुड, अच्छा लगा था. सो या दो इट लुक्स फनी बट आई थिंक दिस इज अ डिज़ाइन चॉइस, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ लेंगे लोग, पीपल आर स्मार्ट इनफ, यू शुड रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, बोलते हैं ना. ठीक है, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई गलती नहीं है. हाँ, सी अगेन, जो मैंने अभी बोला आपको, दिस इज द सेम थिंग. सी, तो इसमें मैंने बोला कि इसमें गलती नहीं है, दिस कैन बी अ डिज़ाइन चॉइस, बट दिस कैनॉट बी अ डिज़ाइन चॉइस. अब देखिए, समझे क्यों, बिकॉज दिस इज डिस्कवर अफ्रीका, राइट. बट यहाँ पे देखिए, डिस्कवर अगर यहाँ तक रखते ना तो सही था, डिस्कवर फिर अगर नीचे अफ्रीका करते तब मैं फिर भी बोलता कि ठीक है, दिस इज अ डिज़ाइन चॉइस, दिस माइट गो. अगर मैं जज होता तो मैं इसको गो कर देता, बट ये मैं नहीं कर सकता बिकॉज डिस्कवेरा फिरी का मतलब अलग ही हो रहा है ये. सो यू नीड टू बी केयरफुल इनफ कि कब कहाँ पे क्या ब्रेकिंग करना है. अगर डिस्कवर फिर अफ्रीका, अगर ए नीचे आ जाता, मतलब ए एफ आर फिर आई सी ए अगर हो जाता तो भी ये थोड़ा सा चलने लायक बनता. मतलब आई एम वेरी फॉर ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड गोइंग बोल्ड, सो मैं इसको गो कर देता. बट यहाँ पे ये दिस इज मिस्टेक, ठीक है, दिस इज लॉ ब्रेकिंग. ये जो बोलते हैं ना, ऐसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलते थे कि डोंट ब्रेक द लॉज, ब्रेक रूल्स. ठीक है, तो सी दिस इज ब्रेकिंग अ रूल, दिस इज ब्रेकिंग अ रूल एंड दिस इज ब्रेकिंग द लॉ. पता नहीं आप समझ पा रहे होगे कि नहीं, बट दिस इज व्हाट इट इज. द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सेल, बाय थ्री गेट टू, गेट टू गेट, बाय टू गेट वन. ये ना एक्चुअली मुझे भी कभी समझ में नहीं आया, ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, बाय थ्री गेट वन या फिर बाय टू गेट वन, बाय टू गेट टू. अरे यार, मैं दो खरीदूंगा तो मुझे दो ही तो मिलेंगे ना, ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता. दिस इज वेरी मार्केटिंग लैंग्वेज. ये समझाना क्या चाहते हैं कि अगर आप तीन खरीदोगे तो आपको दो और फ्री मिलेंगे, तो बाय थ्री गेट टू. बट सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. माई फेवरेट कलर इज हिटलर ग्लिटर. यार इसमें मैं क्या ही बोलूं यार, मुझे अभी बुरा लग रहा है डिजाइनर के लिए, ही और शी जिन्होंने भी ये डिजाइन बनाया है, इंटेंशन सही था सब कुछ. अगर जी को कैपिटल कर देते ना तब ये प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा, दे रेक्टिफाइड इट ऑल्सो, मतलब उन्होंने एक सैंपल के साथ भी दिया है. ओके ओके, द ओके सी जी, जी को कैपिटल कर दिया, दिखा. सो दीज आर लाइक प्लेइंग चेस. आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो ना, हर प्रॉब्लम का आपको क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. ठीक है, बहुत टाइम पे होता है कि जी को कैपिटल करना अलाउड नहीं होगा, आपका कॉपीराइटर या फिर आपका आप जिनके साथ भी काम कर रहे हो वो बोलेंगे कि नो दिस इज रॉन्ग. बहुत ट्रेडिशनल होते हैं लोग, तो आपको उनको या तो कन्विंस करना पड़ेगा या फिर जी और इस डिज़ाइन में जी और एल का, या फिर एकदम बेयर मिनिमम फॉन्ट चेंज कर दो, बिकॉज
बट यही है, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट जो मैंने बोला था, बिकॉज आई थिंक जो डिजाइनर है वो ग्लिटर ग्लिटर पढ़े जा रहा है, उसने बस फॉन्ट देखा, ओके दिस फॉन्ट इज लुकिंग गुड, भेज दिया, ही डिन रीचेक इट, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रीचेक दिस थिंग, ठीक है, तभी सुपरवाइजर्स, तभी सीनियर्स आते हैं. तो दैट्स द लर्निंग फ्रॉम दिस वन. थॉमसन रूटर्स, कैच सेकेंडरी मीनिंग, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, इनोवेशन, परफॉर्मेंस आर वैल्यूज. ओके आई गेट दैट. ओके सी, दिस इज लुकिंग लाइक अ वेन डायग्राम, ठीक है, बट दिस वॉज नॉट मेंट टू बी अ वेन डायग्राम. ये दोनों डिजाइन एलिमेंट्स थे, ठीक है, कि एक सर्कल के अंदर ये लिखा आएगा, एक सर्कल के अंदर ये लिखा आएगा. बट ओके, दिस इज कॉल्ड, ये मेरे प्रीवियस बॉस मिस्टर सुनील जैन, तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोला था कि कमर्शियल डिज़ाइन में दो चीज़ें होती हैं, आर्ट ऑफ डिज़ाइन एंड द साइंस ऑफ डिज़ाइन. जब भी आप कमर्शियल डिज़ाइन करते हो, अगर आप अपने खुशी के लिए आर्ट कर रहे हो तो वो अलग बात है, बट कमर्शियल डिज़ाइन के लिए साइंस ऑफ डिज़ाइन एंड द आर्ट ऑफ डिज़ाइन. तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि ठीक है आर्ट ऑफ डिज़ाइन इज़ गुड, मतलब बैलेंस ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, दो इट्स नॉट, बट स्टिल अगर हम लोग पास करेंगे तो वो हम लोग बोल भी सकते हैं, बट साइंस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग हियर. तो जब आप कमर्शियल डिज़ाइन करते हो, जब आप पैसों के लिए काम करते हो, ब्रांड्स के लिए काम करते हो, देन आपको वो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेटिंग व्हाट, ठीक है, जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो कौन सा डिज़ाइन क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो आजकल जो होता है ना ओवरलैपिंग डिज़ाइन जो बनाते हैं, कि ऐसे ओवरलैप हो, कि अलग अलग कलर से जो करते हैं. आई थिंक मैंने राज भाई के काम में ही बोला था, राज भाई के साथ जो इंटरव्यू किया था उसमें बोला था, वो मन मर्जिया वाले पोस्टर में उन्होंने जो किया था, दैट इज़ वेरी टेम्पटिंग, मतलब वो करने का बहुत मन करता है, बट यू डोंट डू दैट इन दिस सिनारियो, ठीक है, यहाँ पे वो बहुत गलत हो गया. बट आई डोंट नो ये अप्रूव भी कैसे हुआ है, दिस लुक्स लिटिल ऑड, मतलब पता नहीं ये कैसे अप्रूव हो गया. ओके, ये मैंने पहले देखा हुआ है, आई हैव सीन दिस वन, ये आई थिंक डॉक्टर डिल्यूजन, डिल्यूजन कैप्टन डिल्यूजन, यस लिखा हुआ है, देखो टू डिफरेंट कैप्टन, हाँ ये कैप्टन डिल्यूजन ने भी किया था ब्रेकडाउन. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि इस पोस्टर में हिज लेग्स लुक लॉन्ग, मतलब जो राइट लेग है इट लुक्स लॉन्ग, लॉन्गर, मतलब अननेचुरली लॉन्ग लगता है, एंड दैट इज इन अ ऑफिशियल पोस्टर फॉर दिस मूवी रेडी प्लेयर वन. तो वो कैसे हुआ, बिकॉज इट्स नॉट लॉन्ग, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन. एंड उन्होंने, हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने ये ब्रेक डाउन करके भी दिखाया था कि एक्चुअली प्रोपोर्शंस आर राइट, बट दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, और आपको ऐसा लगता है कि उसका पैर जो है वो अननेचुरली लॉन्ग है. तो अगर आप ऑब्वियसली, अगर शायद आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कॉरिडोर का वीडियो भी देखते हो, तो वो लोग ये चीज़ बहुत बोलते हैं कि समटाइम्स रियल डजंट लुक रियल, तो आपको ना उस चीज़ को फेक करना पड़ता है, मतलब अगर आप रियल भी कर रहे हो कभी कभी वो रियल नहीं लगता है, तो आपको उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, फेक करना पड़ता है टू मेक इट लुक मोर रियल. सो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल कि यहाँ पे शायद उनको पैर को थोड़ा छोटा करना था, मतलब डिजिटली मैनिपुलेट करके, कॉस्मेटिकली मैनिपुलेट करके उनको इस पैर को थोड़ा सा छोटा करना था, तब ये ज़्यादा बिलीवेबल लगता. बट दिस इज़ अ गुड कॉन्टेंट, ये अच्छा लगा मुझे, 99designs.com, आई शुड विजिट इट मोर ऑफन. सो दैट्स इट गाइज, अभी ख़त्म हो गया इसमें, तो इतना ही था. कितना लंबा हुआ वीडियो, 29 मिनट का रिकॉर्डिंग है, और इसको एडिट करके और पता नहीं कितना लंबा बनेगा. बट ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो वो मेरे मेन चैनल से ही आए हुए हो, आई एम एज्यूमिंग. तो आप लोग बताइए कि ये सेटअप कैसा लगा, मेरा ये अप्रोच कैसा लगा, एंड ऐसा कॉन्टेंट कैसा लगा आपको, और भी देखना चाहते हो क्या, क्योंकि आई विल बी डूइंग मोर ऑफ दीज. एंड और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो ना, आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हो कि मुझे डिज़ाइन्स भेजते हो, अपने वाले डिज़ाइन्स भेजते हो, एंड यू गाइस से कि मैं उनको रिव्यू करूँ या फिर कुछ बोलूँ या फिर शाउट आउट दूँ. तो दिस चैनल इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट. तो मैं यहाँ पे एक मेल आईडी आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैंने अभी वो मेल बनाए नहीं है, बट जब एडिट करूँगा तो बना के डाल दूँगा. तो स्पेसिफिकली इस मेल आईडी पे आप लोग अपना काम मुझे मेल कीजिए इफ़ यू वॉन्ट, मतलब अगर आप विलिंग हो कि मैं उनको देख के मैं थोड़ा ऐसे ब्रेक डाउन करूँ, उनके बारे में थोड़ा बात करूँ, बिकॉज हु एम आई टू जज, मैं कोई नहीं होता आपका काम जज करने वाला. बट इफ़ यू विश तो आप लोग भेजिए, मैं इधर देखूंगा और ऐसे हम लोग बातें करेंगे, एंड विल डिस्कस कि क्या हो सकता है, मैं क्या करके दिखा सकता हूँ आप लोग को. सो विल डू दैट, मतलब दिस इज़ प्योरली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ पे फिल्म मेकिंग का बहुत कम बात करेंगे हम लोग. आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम, आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला. सो दिस वॉज शमीम, यू वॉचिंग किबा किबी स्टूडियोज़. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.